स्मॉल पॉक्स का नाम आप सब तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा खतरनाक डिजीज है जो छोटा सा रैश से लेके चेहरा खराब करना, ब्लाइंडनेस और लास्ट में डेथ पे जाकर खत्म होता है। सिर्फ पिछले 100 सालों में स्मॉल पॉक्स 50 करोड़ लोगों का जान ले चुका है। मतलब अभी का पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूनाइटेड किंगडम को मिला दे तो 50 करोड़ पॉपुलेशन होता है, और सिर्फ 20th सेंचुरी में इससे 30 करोड़ लोगों का जान गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस डिजीज को हम सारे पृथ्वीवासी मिलके 1980 में धरती पर से मिटा दिए थे, लेकिन फिर भी इसका दोबारा आने की बात हो रहा है। तो इस वीडियो में स्मॉल पॉक्स के ओरिजिन से लेके कमबैक होने के प्रोबेबिलिटी तक बात करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। अगर सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के ओरिजिन की बात करें तो इससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग थ्योरी है। शायद पहली बार स्मॉल पॉक्स का ओरिजिन 10,000 BC पहले अफ्रीका में हुआ था, फिर वहां से अफ्रीकन मर्चेंट द्वारा इंडिया और चाइना में फैला था। इंडिया और चाइना के ओल्ड रिलीजियस टेक्स्ट में भी इसका जिक्र मिलता है, और हिंदुइज्म में माता शीतला के कॉन्टेक्स्ट में इसके बारे में लिखा हुआ है। 1545 में गोवा में पोर्टुगीज के आने से स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक आया था, जिसकी वजह से 8,000 बच्चों का जान गया था। और इंडिया के सबसे भयानक एपिडेमिक की बात करें तो स्मॉल पॉक्स की वजह से 1974 में आया था। ये भयानक एपिडेमिक जनवरी 1974 से स्टार्ट होकर मई 1974 तक चला था, और इतने ही दिनों में 15,000 लोगों का जान गया था। उस टाइम पे इसका वैक्सीन भी अवेलेबल था, फिर भी इतने सारे लोगों का डेथ हुआ। और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा असर बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हुआ था। अगर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की बात करें तो 1798 में ही एडवर्ड जेनर इसको बना दिया था। अगर इसके बारे में और जानना है इस वीडियो को जाकर देखिए। 1950 के आसपास पूरी दुनिया ने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट मास वैक्सीनेशन करने पर राजी हुआ, और स्मॉल पॉक्स को पूरी धरती से मिटाने के लिए ठान लिया। बहुत तेज वैक्सीनेशन की वजह से पूरा धरती पे धीरे धीरे खत्म होने लगा, और इंडिया में इसका लास्ट केस 1975 को देखने को मिला। और पूरी वर्ल्ड की बात करें तो पूरा वर्ल्ड का सबसे लास्ट केस 1977 में सोमालिया में मिला था, और उसके बाद भी WHO 2-3 सालों तक इसको डिटेल में खोजा, और लास्ट में जाके 1980 में इसको पूरे धरती से समाप्त होने के बाद डिक्लेयर कर दिया। अब जब स्मॉल पॉक्स 1980 में ही पूरी धरती से समाप्त हो चुका था तो इसको दोबारा आने के बाद क्यों हो रहा है, तो चलिए अब ये जान लेते हैं। रशिया का एक बहुत बड़ा प्रोविंस है साइबेरिया। तो साइबेरिया बहुत ज्यादा ठंडा रीजन है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर की बात कर ले तो जनवरी के आसपास यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है -10 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम टेम्परेचर रहता है -40 डिग्री सेल्सियस, और पूरे साल में इसका टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास ही रहता है। यहाँ पे ग्राउंड के नीचे मिट्टी के अंदर बर्फ जमा होता है, ऐसी जगह को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, और यहीं साइबेरिया के बीच बीच कोलाइमा नाम का नदी भी बहता है। तो साइबेरिया में 1890s में स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक आया था, जिससे पूरे साइबेरियन एरिया का 40% पॉपुलेशन का डेथ हो गया था। तो सारे 40% पॉपुलेशन को कोलाइमा नदी के बगल में परमाफ्रॉस्ट ग्राउंड में दफनाया गया था। तभी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे अभी तुरंत आपको बताया कि साइबेरिया में फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता था, लेकिन अभी साइबेरिया में 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो इस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वहां का परमाफ्रॉस्ट सॉइल पिघल रहा है, और उस कोलाइमा नदी में उस सारे डेड बॉडी के रिमेन्स के साथ मिल रहा है। कुछ साइंटिस्टों ने स्मेल्टेड सॉइल को चेक किया तो उसमें स्मॉल पॉक्स जैसा पार्टिकल देखने को मिला था। आर्कटिक या एंटार्क्टिका रीजन में भी ग्लेशियर मेल्टिंग से प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए कई साल पहले वहां पे कोई खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया उस ग्लेशियर में फ्रीज्ड हो गया होगा, लेकिन जब वो ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो फिर से ह्यूमन सिविलाइजेशन में आके मिल जाएगा, और बहुत ही डेडली डिजीज कॉज कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और क्लाइमेट चेंज पे एक नया वीडियो जरूर आएगा, और यहां तक देखने के लिए थैंक्स। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।